तुमने सब कुछ संभाल लिया। हम तैयार हो के आते हैं। रुक जाओ राजा। क्या अम्मा का अधूरा आशीर्वाद लेने जा रहे थे? तुम्हारी शादी हो गई है और शादी के बाद अकेले पूजा और आशीर्वाद नहीं लिया जाता, पत्नी के साथ मिलकर लिया जाता है। इसीलिए तो पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। नीलिमा अब तुम्हारे अंग का आधा हिस्सा बन चुकी है। अब जो कुछ भी तुम्हें करना है नीलिमा के साथ मिलकर करना है। आज से तुम्हारे अकेले पूजा और आशीर्वाद लेना बंद। अब देख क्या रहे हो? अम्मा का आशीर्वाद ले लो। हम नंदिनी को खुशियां नहीं दे पाए लेकिन हम अपना वादा भी नहीं भूले। आप देख लेना, हम जल्दी नंदिनी के लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर लाएंगे। उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर देंगे। हमको आशीर्वाद दीजिए, इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपना वादा पूरा कर सके। यही आशीर्वाद दीजिए। जैसे मैं आपकी बहू बनकर इस घर में आई हूँ, वैसे ही अपने पति के दिल में भी जगह बना सकूं, उनका दिल जीत सकूं। और ये रहा हमारा बावर्ची खाना। इसे दिखाने के बाद नई दुल्हन को पूरा घर दिखाने की रस्म भी पूरी हो गई। मैं पहली बार थोड़ी ना आई, बहुत बार आ चुकी हूँ। अरे बेटा, जब तो तुम मेहमान बनकर आया करती थी, आज तुम इस घर की बहू बनकर आई हो और अब तुम्हें एक बहुत जरूरी रस्म करनी है। नई बहू पूरे घर वालों के लिए खाना बनाती है और खास तौर पे मीठा, ताकि उसके दिल की मिठास पूरे ससुराल वालों के दिलों में घुल जाए। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं? जी आता है। तो चलो आज ये रस्म भी पूरी कर देते। आज कुछ मीठा बनाकर खिलाओ, ताकि राजा के साथ पूरे ससुराल वालों के दिलों में तुम्हारी मिठास घुल जाए। खुश रहो, आबाद रहो। इतनी जल्दी तुमने सब घर वालों के पसंद का खाना बना लिया। अच्छा ये बताओ, एक ही दिन में तुम्हें इस घर वालों की पसंद कैसे मालूम हो गई? जी, वो नंदिनी को बहुत बार बोलते हुए सुना था। ये नंदिनी से सुनकर याद नहीं रहा, ये तो इसीलिए याद रहा कि तुझे इस घर से लगाव था। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह करे कि तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाए। अच्छा चल, अब बहुत हो गया, अब तू खाना लगाने की तैयारी कर, मैं सबको बुला के लाती हूँ। जी एक मिनट, नंदिनी की फेवरेट डिश भी बना दूँ? वैसे नंदिनी है कहाँ?
सुबह सुबह आई थी चाय लेकर, उसके बाद उसकी आवाज ही नहीं सुनी। एक काम करो बेटा, तुम नाश्ता लगवाओ, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। अभी राजा के नंदिनी के बारे में पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी। ये नंदिनी भी ना अम्मी, उसको पता है भाई राजा का स्वभाव कैसा है, उसके बाद भी ऐसे। लाइए भाभी, मैं आपकी मदद करती हूँ। गुड मॉर्निंग। अरे अंबर, आज क्या बात है, सुबह सुबह जल्दी उठ गए। फातिमा भी, खाने की इतनी अच्छी खुशबू जो आ रही थी, भला मैं अपने आप को कैसे रोक पाता। पता है, ये सारा का सारा खाना भाभी ने बनाया। What? क्या बात है भाभी, जब हमारा ये हाल है तो भाई राजा तो गए काम से। वाओ, पनीर के पराठे। भाभी, आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट डिश है? एनीवेज, थैंक्स फॉर द पराठा। ये क्या बात है, इतना बढ़िया नाश्ता, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। नंदिनी कहाँ है? नंदिनी, नंदिनी, अरे नंदिनी, नंदिनी। राजा, नंदिनी घर में नहीं है। नहीं है? कहाँ है वो? अरे बताइए फातिमा भी, नाश्ते के टेबल पर नंदिनी नहीं है, ऐसे तो पहली बार हुआ है। कहाँ है वो? हेलो राजा। ये कहाँ है? राजा, इसे पढ़ लो। फातिमा भी, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ कहे नंदिनी नंदन द्वार चली गई। राजा बेटा, उसने मन्नत मांगी थी। अरे जानते हैं हम, सब लिखा है चिट्ठी मां, नीलिमा के बहू बनकर घर आने की मन्नत मांगी थी उसने। अब अकेली चली गई है नंदन द्वार। नंदन द्वार? इतनी ठंड में, इतने लंबे सफर पर, और वहां का रास्ता भी बहुत पथरीला है, वो अकेली कैसे चली गई? हमका समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों ने उसे जाने कैसे दिया? राजा, तुम तो जानते हो कि तुम्हारे सिवा वो किसी की बात नहीं सुनती, और तुम्हें पता ना चले इसलिए उसने अपनी कसम भी दे दी थी। अरे तो हमसे कह देती, हम चले नहीं जाते का? भाई राजा, वो अकेली नहीं गई है, साथ में कादंबरी और प्रिंस भी गए। तुम सबको पता था और फिर भी जाने दिया, काहे? काहे? तुमने जाने कैसे दिया? कान खोल कर सुन लो तुम सब, नंदिनी का बाल भी बांका हुआ तुम्हें। अरे फातिमा भी, आप नंदिनी की बातों में कैसे आ गई? आपने उसे जाने कैसे दिया बताइए? अगर उसे कुछ हो गया तो क्या करेंगे हम? क्या करती, किसी को मन्नत पूरी करने से रोका भी तो नहीं जा सकता ना, अशुभ होता है। और अब अगर अशुभ हो गया तो क्या करेंगे आप? ये आपने ठीक नहीं किया फातिमा भी,
बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे बच्ची को कैसे जाने दिया आपने? भाई राजा उन्हें कुछ नहीं होगा, कादंबरी और प्रिंस उनका ख्याल रखने के लिए है ना, और अपनी मन्नत पूरी करके वो जल्द लौट आएगी। नंदनी 2 घंटे पहले हमारे कमरे में आई थी, इसका मतलब है वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। फोन ऑफ है, आप प्रिंस का नंबर ट्राई करिए ना। कादंबरी जी के पास मोबाइल है ना? अरे काहे जाने दिया आप लोगों ने, कैसे रोके उसे? हमारे खातिर वो इतने कठिन यात्रा पर चली गई। नंदनी तुमने ऐसे काहे किया, काहे किया तुमने ऐसे? क्या सोचा था और क्या हो गया? कितनी बार राजा को समझाया कि नंदनी अब बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई, लेकिन वो अभी तक उसे बच्चा समझता है। ये रस्म भी अधूरी रह गई। शादी के बाद दुल्हन अपने पति को मीठा खिलाती है, राजा का मन बहुत उदास हो गया। बेटा जाके उसे खीर खिला दे तो उसका मन बदल जाएगा और ये रस्म भी पूरी हो जाएगी। ले बेटा। हमारे प्यारे भैया, सॉरी 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 सॉरी, कान पकड़ के सॉरी भैया। हमने मन्नत मांगी थी, नीलिमा भाभी हमारे घर आ जाएगी तो हम नंदन द्वार यात्रा पर जाएंगे। हमें माफ कर दीजिए भैया, आपको बिना बताए जा रहे हैं। आपको बता देते तो आप जाने नहीं देते, और आपकी खुशी के लिए हमें इतना करने का तो हक है ना भैया। आपने हमारे लिए ना जाने कितने दुख सहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें उठाए हैं, क्या नहीं किया हमारी खुशी के लिए। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हमसे नाराज मत होइएगा भैया, आप नाराज होंगे तो यहां हमारा मन घबराएगा, और तीर्थ यात्रा में मन का शांत होना बहुत जरूरी है। हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आप हमें माफ कर देंगे। आपने तो अब तक हमें माफ भी कर दिया होगा, कर दिया है ना भैया? आपकी प्यारी नंदनी। अरे पगली, कभी तुझसे नाराज हो सकते? We'll be right back.
नंदिनी ने तो हमें जीवन भर के लिए अपना ऋणी बना लिया है। हमारी खुशी के लिए इतनी मुश्किल तीर्थ यात्रा पर गई है वो, पर आप उसकी चिंता मत कीजिए। नंदिनी ने तो हमेशा दूसरों का भला चाहा है, तो फिर भगवान उसके साथ बुरा क्यों करेंगे? मेरा दिल कहता है नंदिनी बिल्कुल सही सलामत घर वापस आ जाएगी, और प्रिंस और कादंबरी जी है ना उसके साथ, वो उसका ख्याल रखेंगे। आप उसकी जरा भी चिंता मत कीजिए। नंदिनी अब छोटी बच्ची नहीं रही, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। आप उसकी इतनी चिंता मत कीजिए। चिंता कैसे नहीं करें नीलिमा, अपना बच्चा जब तक अपने पास नहीं होता चैन कैसे आ सकता है। नंदिनी हमारी बच्ची है, जब तक वो सही सलामत हमारे आंखों के सामने नहीं आ जाए हमारे कलेजी को चैन कैसे मिल सकता है। हमें कैसे मान ले कि कोई और नंदिनी का हमारी तरह देखभाल कर पाएगा। सुनिए, ये वक्त ठीक नहीं है, पर क्या करूं, रस्में तो निभानी होंगी। ससुराल में पहले दिन मैंने शगुन की खीर बनाई है, मेरे हाथ से एक निवाला खाकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, रसम भी पूरी हो जाएगी। ये घर में नंदिनी के बिना कुछ नहीं होता। नंदिनी के हाथों से ही सारे रस्में पूरे होते हैं। जब तक नंदिनी घर में नहीं आ जाती नहीं दे सकते। जब तक वो घर में नहीं है कोई रस्म कोई रिवाज नहीं। ऐसा आपने कैसे सोच लिया कि मैं नंदिनी का प्यार उसका हक बांट लूंगी? मुझे नंदिनी की जगह नहीं चाहिए, मुझे तो बस छोटी सी जगह चाहिए आपके दिल में, जो आपकी पत्नी होने के नाते मेरा हक है।